पूतना कौन थी? कल आप सबने राजा बलि की कथा को सुना था, जब बावन भगवान तीन पग पृथ्वी का दान लेने के लिए राजा बलि के पास पहुंचे हैं और राजा बलि की कन्या थी बेटी जिसका नाम था रत्नमाला। जब उस रत्नमाला ने बामन भगवान की अपार सुंदरता को देखा तो उस कन्या के मन में ये भाव आ गए कि इतना सुंदर भगवान मुझे बेटा देते, मुझे पुत्र देते, तो मैं ऐसे पुत्र को अपनी गोद में लिटा करके स्तनपान कराती। उस कन्या के मन के भाव भगवान जान गए और कह दिया तथास्तु। लेकिन दूसरे ही क्षण जब बामन भगवान ने तीन पग पृथ्वी मांगी और तीनों लोग बलि से छीन लिए, तब वही कन्या कहती है, यदि इतना दुष्ट मेरा लाला होता, यदि इतना दुष्ट मेरा लाला होता तो मैं उसे दूध में जहर मिला करके दे देती। भगवान ने कह दिया तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो वही रत्नमाला द्वापर में पूतना बन करके पधारी है जो जहर भी पिलाती है और दुग्ध भी पान कराती है। तो पूतना किसे कहते हैं? वृंदावन में बहुत बड़े संत हुए श्री सनातन गोस्वामी जी, वो पूतना शब्द का अर्थ बताते हैं। पूतना ना मतलब नहीं, पूत मतलब पवित्र, जो पवित्र नहीं है वही है पूतना। अब यहां पवित्रता का मतलब शरीर की पवित्रता से नहीं, नहीं तो आप सोच लो जो नहाया धोया नहीं वही पूतना। यहां मन के मैल से है। कहां है? मन के मैल से। अब कितना गंगा स्नान कर लो और मन में मैल भरा है तो क्या गंगा स्नान सार्थक हुआ? हुआ। बद्रीनाथ में जाके ब्रह्म कपाली में जो अलकनंदा बह रही है उस अलकनंदा में नहा लो, बिल्कुल गंगोत्री धाम में जाके गौमुख के सामने खड़े होके गंगा जी में स्नान कर लो। लेकिन यहाँ पे यदि मैल भरा है तो गंगा यमुना सरस्वती अलकनंदा के स्नान का कोई महत्व नहीं। शरीर की शुद्धता नहीं, मन की शुद्धता। जिसका मन पवित्र नहीं है वही पूतना है। अब ये सुन के एक बात और सुन लो, अर्थ का अनर्थ निकालने वाले कथा में बहुत से बैठे होते हैं। वो कहो जाके कहने लगे कि अरे हम तो कथा में सुन के आए, नहाओ या ना नहाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, मन पवित्र होना चाहिए। उनके लिए भी बता दें कि जैसे हम जब दूध गर्म करते हैं, दूध उबालते हैं चूल्हे पे, जब आप दूध रखती हो माता हो तो दूध पहले कायम रखते हो पतीले में रखते हो ना, उसको क्या कहते हैं यहाँ पे? दूध रखने वाला बर्तन पतीला ही कहते हैं। अब उसको रख दिया चूल्हे पे तो भैया पहले बर्तन गर्म होगा या दूध? जल्दी बताओ, पहले बर्तन गर्म होगा या दूध? पहले बर्तन गर्म होगा फिर दूध गर्म होगा। ऐसा तो नहीं ना कि बर्तन गर्म ना हो और दूध गर्म हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे ये शरीर मान लो बर्तन है तो इसकी पवित्रता भी जरूरी है, इसकी पवित्रता भी जरूरी है। दूसरी बात, शरीर की पवित्रता जरूरी है, ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूं जो बहुत ज्यादा ढकोसला बताते हैं ना, गंगा जी नर्मदा जी यमुना जी ऐसा वैसा, उनके लिए कि तुम समुद्र में जाके नहा लो पर मन पवित्र नहीं है तो क्या सार्थकता तुम्हारे स्नान की। और यदि तुम्हारा मन पवित्र है और तुम घर में आने वाले वो गवर्नमेंट के नल के पानी में नहा लो तो तुम शुद्ध हो, और वहीं तुम्हारा गंगा स्नान है, वहीं तुम्हारा नर्मदा स्नान है, वहीं तुम्हारा यमुना स्नान है या नहीं? हाँ या ना? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए, और दूसरी बात, एक बात और बता दूं, जब हम पूजन पाठ में बैठते हैं पंडित जी लोग एक मंत्र पढ़ते हैं जल डाल के, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽप्यवः यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः, कहते हैं ना।
उस मंत्र का मतलब यह नहीं कि पवित्रीकरण हो गया, उस मंत्र का मतलब यह है कि हम आपके ऊपर जल के छींटे मार रहे हैं, आप भगवान पुंडरीकाक्ष मतलब भगवान नारायण का ध्यान कर लो। भगवान नारायण का ध्यान करने से करने मात्र से सवाह या व्यंतरह सुचि, बाहर और भीतर दोनों जगह से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। कब? जब मन से वो पुंडरीकाक्ष नारायण को याद कर लेता है तब। तो पूतना का मतलब क्या है? हाँ बजाओ, ताली बजाओ, बजाते रहा करे, कम से कम ये लगेगा जाग रहे हो। जो बात अच्छी लगे तो बजा दिया करे, किस बात की शर्म है? कम से कम हमको भी लगे कथा समझ में आ रही है, जाग रहे हो। अब थोड़ी थोड़ी देर में मत बजा देना, जब अच्छी बात आए तब बजाना, ठीक है? अब एक जगह हम कथा करने गए, वो ताली बजाते थे, उनसे भी ऐसे ही बोल दिया कि बजा दिया करे। अब हम कुछ बोल ना पाए, और फिर दूसरी बार। तो जब कोई अच्छी बात लगे, आपको प्रसन्नता हो जाए जिस बात को सुन के, वहां पर ताली बजा दिया करे, समझ में आएगा कि आपको समझ में बात आ गई। तो पूतना वृंदावन में जो संत जी हुए सनातन गोस्वामी जी, वे यही कहते हैं पूतना शब्द की व्याख्या करते हुए कि पूतना ना मतलब नहीं है, पूत मतलब पवित्र, जो पवित्र नहीं है उसे ही कहते हैं पूतना, अर्थात जिसका मन पवित्र नहीं है वही है पूतना। पूतना का मतलब किसी स्त्री, किसी पुरुष, किसी बालक, किसी बालिका, किसी वृद्ध, किसी वृद्धा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का बोधक नहीं है पूतना। पूतना तो एक स्वभाव है। जब हमारे अंतःकरण की वृत्तियां अपवित्र हो जाएं, जब हमारा मन अशुद्धियों से भर जाए, जब हमारा मन विकारों से युक्त हो जाए, उस समय विकारों से भरे हुए मन को समझते हैं हम कि पूतना आकर के विराजमान हो चुकी है। और जैसे ही लगे कि मन विकारों से युक्त हो गया है, तो तुरंत हरिनाम संकीर्तन के जाप को बढ़ा दीजिए। यदि एक माला का जाप करते हो तो दो, दो का करते हो पांच, पांच का करते हो तो दस। और कई लोग कहें कि हम तो जाप ही नहीं करते, तो फिर क्या करें? 11 बार, 21 बार, 51 बार, 100 बार, 108 बार, ऐसे बढ़ा, गिनती करके ले लो, मिनट, एक मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 11 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। भगवान नाम संकीर्तन के जाप की गति को बढ़ाइए, पूतना अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो जब गोविंद 6 दिन के थे, तब पूतना नाम की राक्षसी आई है और भगवान ने पूतना का वध किया है।